इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। आप हल्दी का सेवन सब्जी या फिर दूध या फिर पानी के साथ करते हो, यह तो बहुत ही अच्छा है, पर हल्दी का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए कैसे खाई जाए और किसके साथ खाई जाए, उस पर एक बिल्कुल नया संशोधन हुआ है। वह संशोधन हम आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहे और पूरा वीडियो जरूर से देखें। दोस्तों, कर्क्यूमिन पीले रंग का वह केमिकल है जो हल्दी यानी टर्मेरिक से प्राप्त होता है। कर्क्यूमिन तत्व को एंटी इंफ्लेमेटरी यानी जलन शामक और एंटी ऑक्सीडेंट कहा जाता है, इसलिए बहुत सारी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। सूजन, आंत के सभी रोग, गठिया, फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, मधुमेह और कैंसर जैसी अति गंभीर बीमारियों से हल्दी उसमें रहते कर्क्यूमिन तत्व के कारण हमें बचा लेती है। हल्दी से कैंसर के कोषों का नाश होता है, ऐसा कई संशोधनों में पाया गया है। कैंसर के कोष यदि शरीर में बनने शुरू हो गए हैं तो इसे हल्दी फैलने नहीं देती है, बिल्कुल धीमा कर देती है या फिर रोक देती है। हल्दी से शरीर के अच्छे कोष भी काफी मजबूत हो जाते हैं। हल्दी के नियमित सेवन से शरीर में ट्यूमर नहीं बनता है। दोस्तों, हल्दी को प्याज के साथ खाना चाहिए। हल्दी में कर्क्यूमिन और प्याज में क्यूरसेटिन होता है, दोनों के संयोजन से आंतों में यदि कैंसर से पहले होते घाव की शुरुआत हो गई है तो वह प्रक्रिया बिल्कुल धीमी पड़ जाती है या फिर रुक जाती है। अगर आंतों में कैंसर के पहले होते घाव पड़ने शुरू हो गए हैं तो वह घाव भी भर जाते हैं। कर्क्यूमिन और फिनेथाइल का संयोजन प्रोस्टेट कैंसर के कोषों के सामने लड़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। कर्क्यूमिन और फिनेथाइल अलग अलग रूप से भी प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब इसका सेवन साथ में किया जाए तो कैंसर की गांठ जो होती है उसकी वृद्धि रुक ही जाती है, कैंसरग्रस्त कोषों की फैलने की क्षमता भी घट जाती है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि कर्क्यूमिन हमें हल्दी से मिलता है और दोस्तों हमने दूसरे तत्व फिनेथाइल की बात की है। वह फिनेथाइल हमें कर्सिफेरस वेजिटेबल्स यानी पत्ता गोभी जैसी टाइट सब्जियों से मिलता है, तो उसको साथ में खाने से बहुत ही लाभ होता है। कर्क्यूमिन यानी हल्दी चर्बी को पिघला देने की जबरदस्त ताकत रखती है। चर्बी के साथ अगर वो मिल जाए तो उसको पिघला देती है। यदि अगर हल्दी को काली मिर्च के साथ खाया जाए तो कर्क्यूमिन की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि इसे ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर खाई जाए तो बहुत ही फायदा मिलता है। एवोकाडो नाम का एक फ्रूट आता है, फ्रूट के ऊपर हल्दी छिड़क कर खाने से भी आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है। दोस्तों, हल्दी का सबसे अधिक फायदा लेने के लिए आप उच्च क्वालिटी की ताजी ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ यदि काली मिर्च यूज कर रहे हो तो काली मिर्च भी फ्रेश और ऑर्गेनिक ही खरीदे, ऐसी हम सलाह आपको देते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें एक कमेंट करके जरूर से बताएं। आपका दिन शुभ रहे।